हेलो भाई, मैं हूँ सक्षम। तो आज भाई हम जो गाड़ी देखने वाले हैं वो रहेगी भाई अपनी Hyundai की i20। i20 में भी अगर हम बात कर लें तो भाई टर्बो वाली गाड़ी आज हम देखने वाले हैं। टर्बो में भी अगर भाई बात कर लें तो हम देख रहे हैं आज भाई DCT वेरिएंट भाई अपना आज हम देखने वाले हैं। बाहर से पहले अगर ओवरऑल लुक्स की बात करें तो भाई वाइट कलर की ये गाड़ी है, ऐसी कुछ यार लगती है। फ्रंट प्रोफाइल से अगर शुरू करते हैं तो यार बड़ी बोल्ड लुक इसकी देखने मिल जाती है। बोल्ड तो क्या यार, काफ़ी स्पोर्टी लगती है देखने में, ऐसा बिल्कुल लगता है एग्रेसिव है, भगाने को रेडी है। और भाई जो कि हैवी जो इसका टर्बो इंजन है भाई, एक नंबर भागता है। अभी यार चलाने की भी इसकी वीडियो आएगी, वो भी जाके ज़रूर देखना। उससे पहले भाई अगर ओवरऑल लुक्स की बात करें तो ऐसी कुछ लगती है। शुरू करते हैं अगर भाई हेडलाइट से तो ऐसी कुछ इसकी हेडलाइट्स हमें देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ भाई पूरी यहाँ पे हमें एक वाइट कलर की DRL मिल जाती है। देखते हैं अगर यहाँ पे, तो भाई DRL ही यार यहाँ पे आके मर्ज हो रही है और i20 की बैजिंग मिल जाती है। देखते हैं इस तरफ, तो भाई हमें LED सेटअप मिल जाता है प्रोजेक्टर के साथ। यहाँ पे देख लेते हो टर्न इंडिकेटर हमें मिल जाता है। आ जाते हैं नीचे, तो भाई पियानो ब्लैक कलर का ये इसका थोड़ा सा सॉकेट दिया हुआ है और भाई उसके बीच में प्रोजेक्टर ही हमें देखने को मिलते हैं इसके फॉग लैम्प। आ जाते हैं भाई बीच में, तो ग्रिल यार अपने को पियानो ब्लैक कलर की मिल जाती है। और भाई जैसा मैंने बताया जो ओवरऑल लुक है यार इस गाड़ी की, बड़ी स्पोर्टी फील होती है देखने में। ग्रिल की तरफ अगर भाई देख लेते तो Hyundai का लोगो मिलता है, पियानो ब्लैक ग्रिल और भाई टर्बो की बैजिंग, क्योंकि इसका जो इंजन है अपना टर्बो वाला रहने वाला है। नीचे देखते हैं तो भाई पियानो ब्लैक ही वापस से प्लेट मिल जाती है। आ जाते हैं भाई साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड से यार ये गाड़ी कुछ ऐसी लगती है। चलते हैं अगर भाई टायर्स की तरफ, तो ऐसे कुछ इसके टायर देखने को मिलते हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स हमें देखने को इसके मिल जाते हैं। 195/55R16 यानी कि भाई 16 इंच के अपने को अलॉय इसमें देखने को मिलते हैं। DCT की भाई इधर बैजिंग दी गई है। यहाँ पे देखते हैं तो वाइट कलर का यानी कि भाई बॉडी कलर ही अपने को ORVM मिलता है टर्न इंडिकेटर के साथ। आ जाते हैं भाई इस तरफ, तो हमें देखने को मिलता है क्रोम डोर हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। यहाँ पे देखते हैं तो भाई ब्लैक कलर का अपने को ब्लैकआउट किया गया है बी पिलर बीच का। और भाई आ जाते हैं यहाँ पे, तो क्वार्टर ग्लास पैनल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और भाई क्रोम की लाइनिंग देखो यहाँ से चलती है और पूरी आगे तक कंटिन्यू की गई है वो। आ जाते हैं भाई साइड की तरफ, तो यार यहाँ पे ना एरोडायनेमिक्स को इंक्रीज करने के लिए पीछे है पियानो ब्लैक कलर का यार थोड़ा सा ना एलिमेंट दिया गया है और साथ में ये लाइंस दी गई हैं ताकि भाई हाई स्पीड स्टेबिलिटी गाड़ी की बनी रहे। पीछे से अगर भाई लुक देखते हैं तो यार ऐसी कुछ देखो लगती है भाई वापस से। अब ये जो पीछे की इसकी डिज़ाइन है ना भाई, इससे पहले वाली जो i20 आती थी भाई वो बड़ी ना कॉमन थी, मतलब सबको यार पसंद आ जाती थी। ये वाली यार जो i20 है बहुत सब्जेक्टिव है भाई, बहुत लोगों को पसंद आती है तो इतनी आती है कि मतलब वो तारीफ़ें करते नहीं थकते, और भाई जिनको नहीं आती तो उनको बिल्कुल नहीं आती। तो यार ये अपनी अपनी सब्जेक्टिव चॉइस रहती है, मुझे पर्सनली भाई अच्छी लगती है, कोई भी ऐसी शिकायत नहीं लगती। ऊपर देखते हैं तो भाई यहाँ पे हमें मिल जाता है शार्क फिन एंटीना। कोई भी रूफ रेल्स वगैरह इस गाड़ी में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। देखते हैं भाई यहाँ पे, तो भाई हाई माउंट स्टॉप लैंप आता है। और भाई मैंने रूफ रेल्स क्यों बोली हैं, मेरे को पता है यार बहुत से लोग कहेंगे यार प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है, रूफ रेल्स कहाँ से आ गई। लेकिन भाई इससे पुरानी वाली जो शेप की i20 आती थी उसमें अगर लोगों को याद होगा तो एक स्पोर्ट्स करके वेरियंट बीच में आया था, उसमें रूफ रेल्स दी गई थी, इसलिए भाई मैंने वो मेंशन करा है। थोड़ा सा यार आगे आ जाते हैं तो रियर विंडशील्ड पे अपने को डिफॉगर देखने को मिल जाता है। देखते हैं इस तरफ, तो भाई रियर वाइपर भी हमें देखने को मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिश भाई यहीं से शुरू होती है और यहाँ तक कंटिन्यू की गई है Hyundai के लोगों के साथ। और भाई लाइट अगर देख लेते हैं, टेल लाइट, तो भाई साइड से पूरी ऐसे आती है और इसी के बीच में भाई अपना फ्यूल फिलर कैप मिलती है। तो यार ये ना अच्छी चीज़ है कि मतलब बड़ा मज़ेदार सा डिज़ाइन ओवरऑल ये लगता है कि यहाँ पे अपना फ्यूल फिलर कैप है और यहाँ से चलती हुई लाइट अपनी इधर आ जाती है और भाई यही मर्ज होती हुई पूरी स्ट्रिप अपनी यहाँ तक कंटिन्यू हो जाती है। इधर देखते हैं तो भाई एस्टा की बैजिंग मिल जाती है वेरियंट की और भाई यहाँ पे i20 की बैजिंग। इधर देखते हैं तो भाई ऐसा कुछ इसका बम्पर मिल जाता है, नीचे ही अपने को दोनों तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं और नीचे पियानो ब्लैक की स्ट्रिप है। फटाफट से खोल लेते हैं भाई गाड़ी, देखते हैं गाड़ी को अगर अंदर से। और भाई अंदर से देखने से पहले बात करते हैं अगर चाबी की, तो यार अभी कवर चढ़ा हुआ है लेकिन भाई अंदर से ऐसी ही है। इधर Hyundai का अपना लोगो मिलता है। इधर देखते हैं लॉक अनलॉक का बटन बूट ओपनिंग फीचर के साथ, और भाई होल्ड करके रखोगे तो हॉर्न वगैरह बज जाएगा जिससे आपको पार्किंग में ढूंढने में आसानी होगी। फटाफट से भाई अगर गाड़ी को खोल लेते हैं और देखते हैं भाई डोर ट्रिम की तरफ, तो ऑल ब्लैक अपने को डोर ट्रिम देखने को मिलता है, क्योंकि भाई जैसा मैंने बताया टर्बो वेरिएंट भाई ये है, स्पोर्ट्स में भाई पूरी इसकी लुक दी गई है, स्पोर्टी लुक इसको दी गई है, इसीलिए ऑल ब्लैक इसके इंटीरियर्स किए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ऑल ब्लैक गेट मिलता है। भाई ओवरऑल क्वालिटी अगर मैं कहूँ प्लास्टिक की तो काफ़ी अच्छी फील होती है। इधर देख लेते हैं तो भाई ब्लैक कलर के अपने को डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो भाई सारी पावर विंडो के कंट्रोल और भाई ORVM के कंट्रोल हमें देखने को मिलते हैं। आ जाते हैं भाई इस तरफ, तो बोस का भाई साउंड सिस्टम हमें इसमें देखने को मिलता है। स्पीकर दिया गया भाई यहाँ पे, और भाई 1 लीटर का बॉटल होल्डर स्पेस और थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ दिया गया है। फटाफट से देखते हैं इस तरफ, तो कोई भी भाई इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने ऑप्शन नहीं है, लेकिन भाई हाइट एडजस्ट का फीचर है जो कि एक अच्छी चीज है। भाई चलते हैं फटाफट से आगे अंदर की तरफ, तो भाई यहां पे हम बैठ जाते हैं एक बारी अंदर, बाकी बातें अंदर जाके करते हैं।
गाड़ी अपनी हो गई भाई स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद यार ऐसी कुछ लगती है, ऐसा कुछ इसका भाई इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है। राइट में अपने को देखने को मिलता है इसका टैकोमीटर, लेफ्ट में मिलता है भाई स्पीडोमीटर, फुली डिजिटल है भाई, काफी अच्छा ये लगता है। देखते हैं अगर भाई ओवरऑल स्टीयरिंग की तरफ, तो ऐसा कुछ यार इसका स्टीयरिंग मिल जाता है, क्रेटा टाइप का ही है। ये जो ट्विन स्पोक्स यार ऐसे दिए गए हैं, लेकिन भाई क्रेटा का डीकट होता है, इसका नॉर्मल अपना गोल ही मिलता है। इधर देखते हैं भाई हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इसमें अपने को देखने को मिल जाती है। देखते हैं भाई इस तरफ, तो यहाँ पे हमें वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर देखते हैं भाई इस तरफ राइट साइड में, तो भाई ट्रैक्शन का बटन मिलता है अपने को, कैमरा के व्यू का बटन मिलता है भाई, और भाई अपने को हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाता है। एसी का जो डिजाइन है भाई बड़ा मजेदार है, ऐसे चलता हुआ आता है और गेट में ऐसे करके भाई मर्ज हो जाता है। यहाँ पे भी अगर देखें तो यार डिजाइन में तो काफी अच्छी और काफी स्पोर्टी यार ये गाड़ी लगती है। और यार थोड़ी ना ड्राइवर साइड पे मतलब ध्यान दिया गया इस गाड़ी में, इस तरफ को यार नई गाड़ी है, देखो भाई ने ना यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश आती है, लेकिन भाई स्क्रैच काफी जल्दी पड़ जाते हैं, इसलिए भाई ने अभी तक ये पनिया नहीं उतारी है, इस वजह से थोड़ी ऐसी लग रही है। वरना भाई ओवरऑल इसका जो डिजाइन है काफी अच्छा लगता है। और यार अगर आप देखना मतलब कोशिश करोगे ना, तो इसके डिस्प्ले ड्राइवर साइड को मोड़ी गई है, इसके जो एसी का कंट्रोल है वो भी भाई ड्राइवर साइड को थोड़ा सा टिल्ट है, तो थोड़ी सी ड्राइवर साइड पे यार ज्यादा फोकस किया गया है इस गाड़ी में। देखते हैं भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ यार इसका डिजाइन मिल जाता है। बीच में देखते हैं तो भाई अपने को एसी मिल जाता है, हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है भाई, और भाई नीचे आ जाते हैं तो इसका मिलता है हमें देखने को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा यूनिट। बीच में भाई अपने को डिस्प्ले मिल जाती है। आ जाते हैं भाई नीचे की तरफ, तो भाई यूएसबी इनपुट का ऑप्शन मिलता है, 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, चार्जिंग सॉकेट मिलता है भाई, और भाई एक मिलता है अपने को चार्जिंग पैड, जो कि भाई एक अच्छी चीज है। देखते हैं भाई इस तरफ तो ऐसा कुछ लगता है भाई इसका डीसीटी गियरबॉक्स, इतना प्यारा यार पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया, तो काफी प्यारा लगता है, काफी छोटा है यार, तो मतलब ना अच्छा लगता है, ओवरऑल फील गुड फैक्टर जो है बढ़ा देता है अपने डिजाइन की वजह से। भाई यहाँ पे देखते हैं तो सारी हमें देखने को इसके मिल जाते हैं कि भाई कौन से गियर में अपनी अभी गाड़ी है, रिवर्स में न्यूट्रल में। भाई रिवर्स मारती अगर देख लेते तो ऐसा कुछ यार इसका कैमरा मिलता है, अडेप्टिव गाइडलाइंस के भाई साथ इसका कैमरा आ जाता है। देखते हैं भाई अगर आगे की तरफ, तो यार ऐसी कुछ मिलती है हमें इसकी हैंड ब्रेक, क्रोम टिप नहीं मिलता, लेकिन भाई पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आती है। यहाँ पे देखते हैं तो भाई क्योंकि टॉप वेरिएंट है, तो यार ये इसमें एयर प्योरीफायर सॉर्ट ऑफ थिंग भाई दी गई है, जो कि अपने कलर चेंज करती रहती है। भाई यहाँ पे देखते हैं तो ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आर्म रेस्ट की अगर बात करते हैं तो ऐसा कुछ मिलता है, इतनी स्टोरेज भाई मिलती है, और भाई प्रॉपर स्लाइडेबल ये हमें देखने को मिल जाता है। अगर भाई ओवरऑल फील गुड फैक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा आती है इस गाड़ी में, क्योंकि भाई अंदर से ना बड़ी मज़ेदार यार बैठ के लगती है। इंटीरियर क्वालिटी बहुत अच्छी है, खुद एक बार देखो। बात करें अगर भाई वापस से स्टीयरिंग व्हील की, तो लेदर रैप्ड अपने को देखने को मिल जाता है। इधर देखते हैं तो भाई अपने को मिलता है क्रूज कंट्रोल, इधर देखते हैं तो भाई सारे ही अपने इंफोटेनमेंट के कंट्रोल हमें देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं अगर भाई एडजस्टमेंट की, तो टिल्ट मिलती है भाई, टेलीस्कोपिक इसमें हमें देखने को नहीं मिलती है। आ जाते हैं भाई बीच की तरफ, तो ऐसा कुछ इसका IRVM मिलता है, और भाई ये मेरे को नहीं समझ आया क्यों इन्होंने भाई मैनुअल दिया, इसको ऑटोमेटिक दे सकते थे लेकिन भाई नहीं दिया। SOS वगैरह के भाई बटन अपने मिल जाते हैं ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के साथ। इधर देखते हैं तो भाई ऐसा कुछ वाइजर मिलता है टिकट होल्डर के साथ, इस वाले वाइजर की अगर बात करें तो भाई वैनिटी के साथ ये मिल जाता है, कोई भी लाइट वगैरह नहीं है। खोल लेते हैं अगर भाई इसकी सनरूफ, तो इतनी कुछ यार बड़ी इसकी सनरूफ है। यहाँ पे देखते हैं तो भाई अपने को लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, अपने इधर देख लेते हैं तो भाई सनशेड होल्डर मिल जाता है। खोलते हैं अगर भाई इसकी सनरूफ पूरी पीछे तक, देखते हैं कितनी जाती है कितनी नहीं जाती, इतनी कुछ खुल जाती है भाई इसकी अपनी सनरूफ। कर देते हैं भाई अपनी सनरूफ को अगर बंद, और आते हैं इंटीरियर की तरफ, तो भाई खुद देखो कितना मजेदार यार इसका इंटीरियर लगता है। अगर आप इसको गाड़ी को चला रहे हो उस तरफ बैठोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे कि इस तरफ को मुड़ा हुआ है, लेकिन भाई ड्राइवर को तो काफी मजेदार ये लगने वाला है। देखते हैं अगर भाई डैशबोर्ड की तरफ, तो इतना कुछ स्पेस मिल जाता है, अच्छा खासा स्पेस है भाई, और भाई कूल्ड ग्लव वॉश अपने को देखने को इसमें मिल जाता है। भाई चलते हैं फटाफट से पीछे, मेरी हाइट भाई 5'9" की है, आगे की सीट में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ, और पीछे जाके देखते हैं कितना स्पेस है। खोल लेते हैं अगर भाई पीछे का हम गेट, तो यार ऐसा कुछ इसका डोर ट्रिम लगता है, ऑल ब्लैक ही अपने को देखने को। हैंडल की बात करें तो यार वही अपने को पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। नीचे देखते हैं तो भाई बोस के बैजिंग के साथ साउंड सिस्टम मिल जाता है, यानी कि भाई अपने स्पीकर मिल जाते हैं, बोतल होल्डर स्पेस, और भाई हैंडल इसको बंद करने के लिए। बैठते हैं अगर भाई अंदर की तरफ, देखते हैं पीछे का स्पेस, तो आगे की सीट भाई मैंने ऐसे एडजस्ट करी है जो कि भाई एक 5'9" का आदमी चला रहा है, तो इतना कुछ भाई स्पेस हमें मिलने वाला है। पीछे से अगर हम देखें तो भाई ऐसी कुछ लुक मिलती है। अगर ढंग से बात करें भाई स्पेस की, तो मेरे पैर देखो आराम से भाई नीचे जा रहे हैं, सीटें उठी हुई हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना स्पेस भाई मिल जाता है, कोई भी इशू इसमें नहीं आ रहा है। अगर बात करें भाई फ्लोर पैनल की, तो कंप्लीटली फ्लैट है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और भाई इस गाड़ी की ना चौड़ाई मेरे को अच्छी लग रही है, तो यानी कि भाई अगर मतलब 3 लोग भी बैठेंगे तो कोई ज्यादा इशू आएगा नहीं। और भाई ये जो क्वार्टर ग्लास पैनल है ये एयरिनेस बना देता है, ऑल ब्लैक इंटीरियर होने के बाद भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील हो रहा है, क्योंकि भाई एक तो ये अपना क्वार्टर ग्लास पैनल है, और भाई ऊपर देखें तो हमारा सन शेड खुला हुआ है, सनरूफ इस टाइम पे बंद है। देखते हैं अगर भाई हेडरेस्ट की तरफ, तो चारों ही अपने को एडजस्टेबल मिल जाते हैं, 5वां हेडरेस्ट इसमें नहीं मिलता है, लेकिन भाई इसमें अपने को देखने को मिल जाती है एक भाई बढ़िया सी हमारी आर्मरेस्ट। फटाफट से खोलते हैं आर्मरेस्ट को, देखते हैं भाई वो अंदर से कैसी लगती है। ये यार सीट कवर की वजह से अंदर है, इस आर्मरेस्ट में भाई कोई भी हमें कप होल्डर वगैरह नहीं मिलता है।
फटाफट से चलते हैं भाई पीछे बूट की तरफ। बूट की तरफ जाने से पहले भाई बात कर लें अगर बीच की भाई, तो पीछे ऐसा कुछ मिल जाता है, एसी के भाई वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे देखिए स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और भाई मिल जाता है चार्जिंग सॉकेट भाई अपने को। फटाफट से अब चलते हैं इसके बूट की तरफ। आ गए हैं भाई इसके बूट की तरफ, खोल लेते हैं अगर भाई इसके बूट को, तो यार ऐसा कुछ अपने को देखने को मिल जाता है। पार्सल ट्रे के साथ है, 311 लीटर का बूट स्पेस है, कोई भी इशू इसमें भाई है नहीं। इस गाड़ी के हिसाब से प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट के हिसाब से अच्छा खासा स्पेस है, कोई भी इशू आएगा नहीं। और भाई बोस का अपने को सब वूफर एक इसमें देखने को पीछे मिल जाता है। कर देते हैं भाई इसको बंद, खोलते हैं अगर इसका इंजन में, जो भाई इस गाड़ी की यूएसपी है, क्योंकि भाई टर्बो इंजन है, 1 लीटर का 3 सिलेंडर भाई इसमें इंजन आता है। बात करते हैं पावर फिगर्स की, उससे पहले भाई एक बारी आपको इंजन दिखाता हूँ, फिर जाएंगे पावर फिगर्स पे। बड़ी मजेदार पावर फिगर्स है भाई, 1 लीटर का इंजन होने के बाद भी बहुत अच्छी खासी पावर दे देता है। खोल लेते हैं अगर भाई इंजन में, तो यार ऐसा कुछ लगता है, टर्बो जीडीआई की यहाँ पे हमें बैजिंग मिल जाती है। 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है भाई, 118 bhp और भाई 171 nm का टॉर्क, बिल्कुल भाई इतनी मज़ेदार पावर फिगर्स ये देता है 3 सिलेंडर इंजन होने के बाद और 1 लीटर का होने के बाद। इंजन प्लेसमेंट कुछ भाई इस तरीके की लगती है। ABS EBD की यूनिट की बात कर लें तो भाई अपने को अंदर की तरफ वहाँ देखने को मिल जाता है। वॉशर फ्लूड डालने के ऑप्शन की बात करें तो लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ ही मिलता है। कर देते हैं भाई इसको बंद, यहाँ पे भाई मैं दिखाना भूल गया, कोई भी इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती है। एक चीज़ भाई जिससे हमारे ओनर इसके बड़े परेशान है, वो है भाई इसकी माइलेज। वो कह रहे हैं यार सिटी ड्राइविंग में 3 से 4 से ज़्यादा से ऊपर माइलेज नहीं देती, यानी कि भाई 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर, यस बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, 3 to 4 km/h की माइलेज दे रही है, इससे ऊपर की माइलेज नहीं दे रही है। बात करें अगर भाई प्राइसिंग की, तो उनको यार पड़ी थी 13,50,000 रुपये की ऑन रोड यार ये गाड़ी, अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने यार ये गाड़ी ली है। तो ये थी भाई गाड़ी Hyundai i20 टर्बो DCT, जिसको भी लेनी है ले तो लेना भाई, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, मज़ेदार है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो यार क्या है भगाने में मज़ा है, दूसरी वाली i20 से ज़्यादा तेज़ भागती है और भाई उससे ज़्यादा मज़ेदार इसका इंजन है। लेकिन भाई ये सोच लेना 3 से 4 की माइलेज देगी, उससे ऊपर की माइलेज नहीं देगी। तो अगर भाई वो झेल सकते हो तो ले लो, कोई भी दिक्कत भाई नहीं है। क्वालिटी अंदर की भाई एक नंबर है, प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें चाहे इंटीरियर फील की बात करें, बहुत बढ़िया भाई इसमें हमें देखने को मिल जाता है। तो ये थी भाई गाड़ी अपनी Hyundai i20 टर्बो भाई DCT वाली वेरिएंट। यहाँ तक आए हो, यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच भाइयों, ऐसी आते रहना, ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू भाइयों, बाय बाय।